नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं PGI चंडीगढ़ स्टाफ नर्स 2016 का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। PGI चंडीगढ़ में जो क्वेश्चन से रिपीट होते हैं हर साल, तो ये वीडियो को आप मिस बिल्कुल भी मत करना और अपने अपना लॉस मत करवाना स्किप करके। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है विद एक्सप्लेनेशन है। वीडियो को एंड तक देखते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कैप्यूट सक्सिडेनियम। तो क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है कैप्यूट सक्सिडेनियम इज, तो ऑब्वियसली इसका मतलब पूछा जा रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। कैप्यूट सक्सिडेनियम, पहला ऑप्शन है आपका बर्थ मार्क, सेकेंड है स्वेलिंग ऑन द फेस ऑफ द बेबी, थर्ड है कलेक्शन ऑफ फ्लूड अंडर द स्कैल्प, एंड फोर्थ है स्वेलिंग विल नॉट क्रॉस द सूचर लाइन। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कलेक्शन ऑफ फ्लूड अंडर द स्कैल्प। स्कैल्प के अंडर में जो फ्लूड का कलेक्शन होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं कैप्यूट सक्सिडेनियम। डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं। पहला डायग्राम है कैप्यूट सक्सिडेनियम, जिसमें दिखा रखा है ये सेजाइटल सूचर है, ठीक है, ओके। एंड ये आपकी स्कैल्प है, ऊपर वाली स्कैल्प है, और ये बीच वाली आपकी पेरिओस्टियम है, ओके। ये जो ऊपर की स्कैल्प है, इसके बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे अडीमा है, ठीक है। नॉर्मली तो ऐसी रहती है, बट यहाँ पे अडीमा है, स्वेलिंग है, जो कि फ्लूड कलेक्शन है। इस कंडीशन को बोलते हैं कैप्यूट सक्सिडेनियम, ओके। एंड अब इस कंडीशन में देखते हैं, ये कंडीशन आपको शो तो नहीं करी है, बट ये एक्स्ट्रा मैं आपको समझा देती हूँ। अगर यहाँ पे फ्लूड कलेक्शन की जगह ब्लड का कलेक्शन होगा, तो उस कंडीशन को बोलेंगे सिफेल हेमाटोमा, ओके। अगर फ्लूड का कलेक्शन है स्कैल्प में, तो कैप्यूट सक्सिडेनियम कहलाएगा, बट अगर ब्लड का कलेक्शन है स्कैल्प में, तो वो सिफेल हेमाटोमा कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। When a patient is in liver failure, patient है liver failure का, काफ़ी important question है। Which of the following behavioral changes is the most important assessment to report? यानी कि patient जो liver failure का है, उस patient में इन चार option में से कौन सा ऐसा behavior है जो देखने के बाद doctor को हमें report करना है immediately, okay? तो पहला है आपका option शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सेकेंड है लेथार्जी, थर्ड है फटीक, एंड फोर्थ इज नोजिया। सो अगर पेशेंट लेथार्जिक है, स्टेट ऑफ एक्सट्रीमली फटीगनेस, उस कंडीशन को बोलते हैं लेथार्जी। और जो लेथार्जी है, अगर पेशेंट फील करता है ड्यूरिंग द लीवर फेलियर, तो ये असेसमेंट जो है हमें रिपोर्ट करना है डॉक्टर को इमीजिएटली, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस केयर इज रेंडर्ड टू, यानी कि जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के अंडर में जो नियोनेटल एंड चाइल्डहुड की इलनेस की केयर की जाती है, उसमें कौन कौन से एज ग्रुप के बच्चे इंक्लूड होते हैं? ओनली न्यूबॉर्न्स, अंडर फाइव चिल्ड्रंस, टू मंथ्स टू फाइव ईयर चिल्ड्रंस, या अप टू टू मंथ्स एंड टू मंथ्स टू फाइव ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अप टू टू मंथ्स एंड टू मंथ्स टू फाइव ईयर के जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनके लिए ये अंडर द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस केयर इंक्लूड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग्स इंडिकेट्स दैट द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग द हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का मतलब है पोटेशियम का लेवल सीरम में डिक्रीज हो जाना, और नॉर्मल लेवल क्या होता है पोटेशियम का, 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आपको ये नॉर्मल रेंज याद रखनी है। अगर 3.5 से डिक्रीज नीचे जाता है पोटेशियम का लेवल ब्लड में, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम हाइपोकैलेमिया। अब हाइपोकैलेमिया कौन कौन सी, हाइपोकैलेमिया में कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग देखी जाती है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर वन अडीमा,
मसल स्पाज्म, कुस्मल ब्रीथिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। सो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी है, मसल स्पाज्म। बिकॉज पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो मसल्स है उस पर स्पाज्म देखा जाता है, तो इसलिए जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स है जो इंडिकेट करता है हाइपोकैलेमिया को, वो है मसल स्पाज्म। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कैलकुलेशन से रिलेटेड है। ओके, अब यहाँ बोला है 20 मंथ ओल्ड एक रिसीव कर रहा है आइसोलेट पी और कितना कर रहा है 240 ml IV इन 6 आवर्स। ठीक है, तो 240 ml 6 आवर्स में रिसीव कर रहा है और ड्रॉप फैक्टर बता दिया गया है मिनी ड्रॉपर का 60 ड्रॉप्स पर मिनट है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला पुट अप कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा आपका टोटल वॉल्यूम जो डॉक्टर ने ऑर्डर करा है डिवाइडेड बाई कितने टाइम में जाएगा, टाइम। ओके, और वो भी मिनट्स में, टाइम जाएगा मिनट्स में। यहाँ पे आवर्स में दे रखा है, हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है, एंड इनटू में ड्रॉप फैक्टर। ठीक है, सो टोटल वॉल्यूम टाइम इन द मिनट्स इनटू में ड्रॉप फैक्टर, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो कितना वॉल्यूम डॉक्टर ने बोला है 240 ml डिवाइडेड बाई 6। अब इसे 6 आवर्स को हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा याद रखना 60 से इंटू कर देना है। ठीक है, एंड यहाँ पे इंटू है ड्रॉप फैक्टर। ठीक है, तो 60 से 60 कट गया 1 से। ओके, तो 6 × 1 इज 6 × 1 = 6, 6 से 240 कटेगा 40 से। ठीक है, तो 40 आपका आया है आंसर। और यहाँ ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है 40 नंबर, हाँ तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा, 40 ड्रॉप्स पर मिनट इस बच्चे को चढ़ेगा। काफ़ी इजी कैलकुलेशन था, मुझे पता है आप समझ गए होंगे, बट अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इजी था ये इसका कैलकुलेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ। एट बर्थ पे जो न्यूबॉर्न है उसका जो ब्लड वॉल्यूम है वो 80 ml पर kg रहता है। ठीक है, ये याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 80 ml पर kg टोटल ब्लड वॉल्यूम न्यूबॉर्न का बर्थ पे होता है। जैसे कि अगर न्यूबॉर्न का जो वेट है 3 kg है, तो 80 को आप 3 से इंटू करेंगे, सो 240 ml एट बर्थ बच्चे में प्रेजेंट होगा अगर उसका वजन 3 kg है। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंजाइम रिलीज्ड बाय द स्पर्म विच अलाउ द पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम। तो आपको पता होना चाहिए अगर स्पर्म है वो ओवम को पेनिट्रेट करने जा रहा है, तो कौन सा एंजाइम जो रिलीज करता है वो ओवम को पेनिट्रेट करते समय में। ठीक है, तो उस एंजाइम का नाम बताना है जो स्पर्म रिलीज करता है ड्यूरिंग विच अलाउ द पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम। तो राइट आंसर आपका है हाइलुरोनाइडेज एक एंजाइम है जो स्पर्म को अलाउ करता है ओवम में पेनिट्रेट करने के लिए। ओके, सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर, अब प्रोटीन के बारे में पूछा है कि प्रोटीन किस लिए जरूरत, क्यों रिक्वायर्ड होता है। फॉर द वेट रिडक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टिश्यूज एंड सिंथेसिस ऑफ द स्टेरॉइड्स हार्मोन। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बॉडी के टिश्यूज़ को मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप भी इसका जो रैशनल है अच्छे से जानते होंगे। ओके, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेडिकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पूछा गया है द रीज़न फॉर यूजिंग द पेरेंट्रल रूट टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन इंक्लूड्स। आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन के रीजंस, क्यों पेरेंट्रल रूट से हमें मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं हम। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पेरेंट्रल मेडिकेशन लास्ट लॉन्गर देन ओरल मेडिकेशन, इट इज लीस्ट एक्सपेंसिव मैथड, इट इज ईजियर टू मेजर एन एक्यूरेट डोज, द पेरेंट्रल रूट अलाउ द मोर रैपिड एब्जॉर्प्शन देन द ओरल रूट। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है वो है डी,
ऑप्शन नंबर डी, पेरेंट्रल रूट को हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज पेरेंट्रल रूट में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो काफ़ी रैपिड होता है ओरल रूट के कंपैरिजन में। सो इसी के साथ नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में पढ़ जाते हैं। स्किन इन्फेक्शन दैट कैन बी सिक्वेला ऑफ स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन, यहाँ पे स्किन इन्फेक्शन की बात हो रही है, विच दैट कैन बी सिक्वेला ऑफ द स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, इम्पैटिगो। इम्पैटिगो एक स्किन इन्फेक्शन है जो कि स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में कॉज होता है। इसी के साथ नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर्स वाज गिवन बाई, यानी कि जो मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर्स हैं उनका जो कॉन्सेप्ट था वो कौन सी कमेटी ने इंट्रोड्यूस करवाया था वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है करतार सिंह कमेटी, सेकंड है श्रीवास्तव कमेटी, थर्ड है आपका चड्डा कमेटी एंड फोर्थ है आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी। स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, हेल्थ पॉलिसी, एल और ए की पोजीशन चेंज हो गई है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी। सो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी ने ही मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल फीचर ऑफ क्वाश्योरकर, क्वाश्योरकर का जो प्रिंसिपल फीचर है, मेन फीचर जो है वो पूछा गया है। पहला है विजिबल मसल वेस्टिंग, सेकेंड है सीवियर फेट वेस्टिंग, थर्ड है यूजुअली गुड एपेटाइट एंड फोर्थ है एडिमा इन द लोअर लेग्स एंड द फेस। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्वाश्योरकर के जो प्रिंसिपल फीचर्स हैं वो ये देखे जाते हैं कि लोअर लेग्स में एंड फेस में एडिमा देखने को मिलता है और वो इंडिकेट करता है क्वाश्योरकर को। सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेफेस्ट मैथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक्स। अब यहाँ पे 12 वीक्स से पहले की बात हो रही है, क्वेश्चन को ध्यान से ज़रूर पढ़ना। कई बार 12 वीक्स की जगह आपको 16 वीक्स या 20 वीक्स भी शो कर सकते हैं, तो यहाँ पे बिफोर 12 वीक्स की बात हो रही है और सेफ मैथड पूछा गया है MTP करने का, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि अबॉर्शन करने के लिए बोला गया है बिफोर 12 वीक्स और सेफ मैथड पूछा गया है। पहला है सक्शन इवैक्यूएशन, सेकेंड है डायलेशन एंड क्यूरेटेज, थर्ड है लेमिनेरिया टेंट एंड फोर्थ है प्रोस्टाग्लैंडिंस। सो दैट आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सक्शन इवैक्यूएशन। सक्शन इवैक्यूएशन में सक्शन की मशीन की हेल्प के साथ बेबी को इवैक्यूएट किया जाता है मदर के वोम्ब से, जिस प्रोसेस को बोलते हैं सक्शन इवैक्यूएशन, जो कि एक सेफेस्ट मैथड है बिफोर द 12 वीक्स फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, inadequate intake of which vitamin by the pregnant woman may cause the neural tube defect. अब यहाँ पे neural tube defect की बात हो रही है जो कि congenital problem है और यहाँ पे बोला गया है कौन से vitamin के inadequate intake की वजह से, कौन सा vitamin है जो mother pregnant woman inadequate तरीके से intake लेगी और उसकी वजह से बच्चे को neural tube defect देखने को मिलेगा। तो आपका option है niacin, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड एंड थायमिन। सो आपका राइट आंसर है फॉलिक एसिड। आप सबको ये क्वेश्चन का आंसर तो मालूम होना ही चाहिए कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंजेनिटल प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है एट बर्थ। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली ऑफ द ग्लोबल इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जो इंडिया है वो नियरली ग्लोबल इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस कितना नियर बाई है इंडिया में, ठीक है। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20% इंडिया जो है वो अकाउंट करता है नियरली ग्लोबल इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि पूरे वर्ल्ड या ग्लोबल में ग्लोबल इंसिडेंस जो है ट्यूबरक्लोसिस का, तो इंडिया अपना 20% इंक्लूड करता है फॉर द इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जो कि काफ़ी हाई है फॉर द इंडिया। एंड द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस पूछा गया है इंडिया में कौन सा मेजर कॉज है ब्लाइंडनेस के लिए। पहला है ग्लूकोमा TB, दूसरा है रिफ्रैक्टिव एरर, थर्ड है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस एंड फोर्थ इज कैटरेक्ट, जो कि आपका राइट आंसर है। मेजर जो ब्लाइंडनेस है हमारे इंडिया में वो कैटरेक्ट की वजह से प्रेजेंट है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस इज कम्प्लीटेड। इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस का मतलब है ये आपका एब्डोमन है, ये आपका ये है,
जैसे इस तरीके से बीबी का वूम्ब या मदर का वूम्ब बढ़ता है और उसी बढ़ता है प्रेगनेंसी में, और उसी तरीके से घटता है प्रेगनेंसी के बाद, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस का इन्वोल्यूशन होना यानी कि कम होना, साइज में कम होना, उसे बोलते हैं इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, अपनी नॉर्मल पोजिशन को गेन करना। ओके, तो राइट आंसर है 6 वीक्स, जिसको हम 42 डेज भी बोल सकते हैं। ओके, 6 वीक्स एंड 42 डेज, जो कि परपेरियल पीरियड होता है, जिसमें इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस कंप्लीट होता है। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूट्राइन ब्लड फ्लो एट टर्म, जो टर्म पे यूट्रस का ब्लड फ्लो है वो कितना रहता है। तो पहला है 50 ml/min, 100 to 150 ml/min, 350 to 375 ml/min, एंड 500 to 750 ml/min। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है आपका, टर्म पे जो यूट्राइन ब्लड फ्लो है वो 500 से लेकर 750 ml/min तक रहता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन कार्डिक आउटपुट ऑफ फीटस, यहाँ पे फीटस की कार्डिक आउटपुट की बात हो रही है, कितना रहता है कार्डिक आउटपुट। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 415 ml, यानी कि 415 ml/kg/min। ये एक फॉर्मूला है जो कि कार्डियक आउटपुट ऑफ फीटस का निकालने का तरीका है। ठीक है, अब ये वेट पे डिपेंड करता है, इसलिए 415 ml लिखा गया है पर केजी पर मिनट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपरेशन ऑफ चॉइस फॉर अ पेशेंट हु हैज़ बीन एडमिटेड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद ओपन कंटेमिनेटेड इंजरी एंड नो रिसेंट हिस्ट्री ऑफ टेटनस इम्यूनाइजेशन। यानी कि अब पेशेंट है जिसका ओपन कंटेमिनेटेड इंजरी हुआ है, ठीक है, और उसका कोई टेटनस का इम्यूनाइजेशन का हिस्ट्री भी नहीं है, यानी कि प्रीवियसली कोई उसे टेटनस की इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन नहीं लगी है, ठीक है, और साथ ही साथ पेशेंट का अभी कंटेमिनेटेड ओपन इंजरी हुआ है और वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रिपरेशन ऑफ चॉइस, सबसे फर्स्ट जो प्रिपरेशन ऑफ चॉइस है पेशेंट के लिए वो क्या रहेगी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, टेटनस इम्यूनोग्लोबिन देंगे ताकि टेटनस के रिगार्डिंग जो इम्यूनिटी है वो बॉडी में डेवलप हो जाए क्विकली, इसलिए टेटनस का इम्यूनोग्लोबिन जो है प्रिपरेशन ऑफ चॉइस रहने वाला है, नो हिस्ट्री ऑफ टेटनस इम्यूनाइजेशन की कंडीशन में। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल इन न्यूबॉर्न लॉस वेट इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, नॉर्मल कंडीशन है ये सब बच्चों के साथ होता है, जो न्यूबॉर्न्स होते हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में अपना वेट 5% जो होता है बर्थ वेट का, यानी कि अगर वो 3 kg पैदा हुआ है तो उसका जो 5% होगा वो 5% लॉस कर देगा फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में। काफ़ी लोग बोलते हैं कि बच्चा हुआ तो मोटा था लेकिन देखो अब कितना कमज़ोर हो गया है, तो यही रीज़न है इसके पीछे का कि ये नॉर्मल एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें न्यूबॉर्न फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में 5% ऑफ बर्थ वेट अपना लूज करते हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनिटी डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन बाई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, बॉडी में एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंटर करा और इन्फेक्शन कॉज कर दिया, और उस इन्फेक्शन की वजह से जो बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हुई है उस इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं। पहला है एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द नेचुरल इम्यूनिटी, बिकॉज बॉडी में ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया, बॉडी में ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया, अटैक करने के बाद बॉडी ने जो मेमोरी रखी, जो मेमोरी सेल्स होती हैं, मेमोरी ने उस ऑर्गेनिज्म की मेमोरी जो है कैप्चर कर ली, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम उस ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शन का बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी फाइट कर सकती है नेक्स्ट टाइम के लिए, और इस इम्यूनिटी को बोलते हैं हम नेचुरल इम्यूनिटी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीडी शुड बी गिवन फॉलोइंग आरएच पॉजिटिव डिलीवरी विद इन, यानी कि अगर आरएच पॉजिटिव डिलीवरी हुई है और एंटीडी कितने टाइम के अंदर देना होता है, मतलब ये है अगर यहाँ पे आरएच पॉजिटिव लिख दिया है और एंटीडी भी लिख दिया है तो आपको सीधा समझ जाना है कि मदर आरएच नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव डिलीवरी हुई है, यानी कि बच्चा पॉजिटिव पैदा हुआ है, हो सकता है उसके फादर जो है पॉजिटिव होंगे इस वजह से बेबी पॉजिटिव डिलीवर हुआ है।
ठीक है, तो मदर नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हीमोलाइसिस की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। तो इसलिए एनटीडी का जो इंजेक्शन है वो डिलीवरी के कितनी दिन टाइम बाद हमें एडमिनिस्टर करना है, तो राइट ऑप्शन है आपका 72। ये मैक्सिमम टाइम होता है, आपको याद रखना है। ये नहीं है कि बर्थ के 72 आवर्स बाद लगाना है, बर्थ के 72 आवर्स के अंडर में लगाना है। ठीक है, आप बर्थ होने के 1 घंटे बाद भी लगा सकते हैं, 2 घंटे बाद भी लगा सकते हैं, ठीक है, 48 आवर्स बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन बिफोर 72 आवर्स रहना चाहिए आपका। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है 72 आवर्स एनटीडी इंजेक्शन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पॉपुलेशन सर्व्ड बाई द सब सेंटर इन प्लेन एरियाज। अब प्लेन एरियाज़ की बात हो रही है और सब सेंटर की बात हो रही है। सब सेंटर जो है प्लेन एरियाज़ में कितनी पॉपुलेशन को सर्व करता है या पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 5,000 जो है प्लेन एरियाज़ में सब सेंटर पॉपुलेशन को कवर करता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैक्सीन यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन है वो यूज़ होती है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, लिख देती हूँ, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। HPV एक वायरस है जो कि सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है, जिसकी प्रिवेंशन के लिए HPV की वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है इन टीनेज गर्ल्स। सो आज की क्लास आपके यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। ये 2016 का पार्ट 1 था, अब 2016 का जो पार्ट 2 है आपको जल्दी ही मिलने जा रहा है, हो सकता है आज शाम तक अपलोड हो जाए, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपका अपलोड हो जाए। ठीक है, तो आप कल तक का वेट करें, पार्ट 2 आपको जल्दी ही मिलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, और सपोर्ट प्लीज़ मुझे ज़रूर करना, ताकि और भी ऐसी क्लासेस लेकर आती रहूं और मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।